Good मॉर्निंग। अच्छा रिप्लाई कर दिया, ये लो उबासियां लेते हुए। अरे क्या लगता है सीख जाएंगे जिन्ने के दिन रह गए अपने को। सीधा करो यार, सीधा तो है, एस सीधा तो लग रहा है जब यहाँ तक भरा पड़ा है, अगर यहाँ तक होता तो फिर तो इन्होंने फिर उनको भी वो कर देना था, फेल कर देना था पीने वालों को भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारी सुबह तो हो गई है, हमारे घर में दो और लोग रहते हैं हमारे साथ, तो वो घोड़े बेच के सो रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो इनको हम ढक के रखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा रिप्लाई कर दिया, ये लो उबासियां लेते हुए। तू सुन रहा है मेरे को? हाँ ये तो इनको हम रखते हैं थोड़ी देर फ्रेश एयर में, इनको फ्रेश एयर की भी ज़रूरत होती है, और उसके बाद खोलेंगे हम आपको, ठीक है? उसके बाद खोलेंगे हम आपको। चलो तुम लो फ्रेश एयर, हम करते हैं अपना काम, ठीक है? खाना है ना तुम्हारे पास? तो जितेंद्र जा रहे हैं कहीं बाहर सुबह सुबह, तो कहाँ जा रहे हैं वो तो वही बताएंगे आपको, पर उन्होंने अपने कपड़े निकाले हैं पहनने के लिए। और ये देखो हाल, इस पर इतनी सिलबटे हैं और इनको प्रेस भी नहीं चाहिए, तो मैं करती हूँ प्रेस। इनको तो कोई लेना देना नहीं होता, वैसे लड़कों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही वो इतना बॉदर ही करते हैं ये सब चीज़ों से, पर हमें तो पड़ता है। तो वो जा रहे हैं अपना फेवरेट काम करवाने। जिस दिन उनको ये काम करना होता ना, उस दिन तो सुबह सुबह, मतलब किसी के उठाने की भी ज़रूरत नहीं है उनको, और वो खुद से ही रेडी। उस दिन तो उनको खाना भी नहीं खाना है। मैंने पूछा उनको, मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, थोड़ा खा के जाओ, तो कहते नहीं मैं आके खा लूँगा। ब्रेकफास्ट उनका तैयार है। ये मेरी आँखें इससे ऐसे निकले, कभी कभी खुद को डर लग जाता है यहाँ पड़ा होता है बाहर से नज़र पड़ जाए ना तो डर जाता है बंदा। बाय बाय। यार एक्चुअली प्लान है वीकेंड पे कहीं बाहर जाने का, और गाड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, तो सोचा चलो चेक करवा लेते हैं एक बार। मुझे लग रहा है इंजन माउंटिंग की में कुछ गड़बड़ है, मतलब कुछ लीकेज वगैरह या कुछ टूट गई है वो, तो चेक करवा लेते हैं क्योंकि बाहर जाना है, तो फिर ऐसा ना हो कि रास्ते में कभी कुछ प्रॉब्लम हो। माउंटिंग हमने चेंज करवा दी और गाड़ी में भाई ज़बरदस्त डिफरेंस आ गया, मतलब गाड़ी में वाइब्रेशन और नॉइस इतनी कम होगी ना मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार गाड़ी ना पुरानी पुरानी हो गई, और बिल्कुल ऐसे नई जैसी आवाज़ हो गई है। चुनाव का प्रचार चल रहा है, आई थिंक आज 18 होगी, तो आज लास्ट डे होगा, इसके बाद सब बंद हो जाएगा, कोई रैली नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर 20 तारीख को हमारे वोट हैं पंजाब में, 20 फरवरी को वोट हैं, और 10 मार्च को आएगा रिजल्ट, और देखते हैं इस बारी क्या होता है। अब इनकी हरकतें देखना। खत्म हो गया, खत्म हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, और लेके आता हूँ, नाखून नहीं खाने मेरे। ये आ जा रहा है, वो नहीं, बड़ी खराब है ये।
अब आ रही है, वो तेरे को खाने नहीं दे रही है, ले अब लड़ती हूँ इससे, ले गुड 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 आ जा मेरे को ना खा लियो अब, ये क्या कंपटीशन चल रहा है हाँ खाने का। अभी हम निकल गए एक बार फिर से घर से, और टारगेट है हमारा, ये प्रिया जी सीख रही हैं गाड़ी चलानी, तो हम जा रहे हैं ड्राइविंग स्कूल और फिर इसको थोड़ी देर वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है। ड्राइविंग स्कूल तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे नर्सरी वाले बच्चे को छोड़ने नहीं जा रहे होते कि हम जा रहे हैं इसको स्कूल छोड़ने। हाँ तो ये स्कूल ही छोड़नी पड़ेगी तभी इसको आएगी, मैंने इतना ट्राई कर लिया बट इसका डर जो है वो निकलता ही नहीं है, ये इतना डरती है सड़क से। मैंने ग्राउंड ग्राउंड में सब जगह हमने ट्राई कर लिया लेकिन इसको ट्रैफिक की आदत नहीं है, तो मेन उसके देखो लिए अगर मैं सीख नहीं पाई हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके सिखाने में प्रॉब्लम है। हाँ ये तो है, मतलब मेरे में ही प्रॉब्लम है अल्टीमेटली, तुम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो वो भी सिखा रहा है ना मेरे को, मैं इतनी ट्रैफिक में चलाती हूँ। अब जब मैं फर्स्ट डे गई थी मैं बहुत ऐसे रिलैक्स होके गई थी कि अभी आज जाऊंगी तो मुझे थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में बताएंगे वो, उसके बाद थोड़ा बहुत ग्राउंड में चलवा लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाते ड्राइवर सीट से हटा, मेरे को बोला कि बैठो, मैं पहले उसको देख रही हूँ मैं यार इतनी ट्रैफिक है मैं कैसे जाऊंगी, और ये तो बाई चांस मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी था तो बस मुझे उसने ये बताया ABC तो एक्सेलरेट ब्रेक और क्लच और कहता अब चलाओ, गियर तो बताया नहीं, गियर तो बस चलते चलते बताया मेरे को कि हाँ ये डालना होता है गियर और ऐसे है। तो मुझे उसके कॉन्फिडेंस से डर लग रहा था कि भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे कोई दिखा सकता है किसी को। भैया तो मेरे को डरा ही देते हैं मैं आप मेरे को डरा ही देते हो बेटर है ना कि ये डरा दे ज्यादा अच्छा है क्योंकि सामने से कोई और डरा देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। भाई क्या लगता है सीख जाएंगे जितने के दिन रह गए अपने को सही गियर बुक का जरूर ठीक हो गए होगा। हां करते भी थोड़ी प्रैक्टिस कराते रहो ही कहती है जी प्रैक्टिस ही अंत ही चाहिए। बहुत गाड़ी चला ली अब जूस प्रेशर के मारे स्ट्रेस के मारे ऐसे प्यास लगी है, अब पसीने आ गए हैं, गला सूख गया है, हाथ पैर फूल गए हैं। हाँ हाथ पैर फूल गए हैं। एक किलो में एक ही ग्लास निकलता है हाथ वाली मशीन से। हाँ। और कहते जो दूसरी मशीन होती है उससे दो निकल जाते हैं पर ये ज्यादा टेस्टी होता है क्योंकि इसमें पल्प भी होता है बीच में, उसमें तो सब पिस के जूस बन जाता है, वो तो सब निकाल देती है। यार एक चीज पता है क्या हुई आज? हाँ। आज के मतलब मैंने पहले भी नोटिस करी और आज भी हुई, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये यहाँ पे स्टेयरिंग के ऊपर लिखा हुआ ना फोर्ड, तो जो जो गाड़ी पे ये मेरे को भैया सिखाते हैं वो है स्विफ्ट, उसके ऊपर लिखा होता है एस तो और मेरे को सच में कंफ्यूजन ही होगी वहां पे, और पता भी तभी लगा जब मैं उसको देख रही थी कि वो एस जब वो घूमा तो उल्टा भी एस है सीधा भी एस है, और मेरे को आज भी ये कंफ्यूजन हुई एक बारी के लिए जब स्टेयरिंग उसने कहा स्टेयरिंग सीधा करो, मैं यार सीधा तो है एस सीधा तो लग रहा है जब
ऐसे कौन देखता है कि स्टीयरिंग में ऐसे सीधा यार, मैं नहीं देखती हूँ, आगे देखती हूँ, बट मैं ना एक नजर फटाफट नीचे दे लेती हूँ। तो मैं इस गाड़ी में, मेरे को आदत पड़ी थी, तो यहाँ इस पर फोर्ड लिखा हुआ है, फोर्ड तो सीधा दिखता है, एस तो सीधा उल्टा एस ही है, तो ये मेरे लिए कंफ्यूजन हो जाती है। ये गलत चीज है। अगर आप भी कोई ऐसा कर रहे हो ना, अगर ये देख के स्टीयरिंग सीधा रखते हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। ये पर यार, ये अकेली मैं नहीं होंगी जो ऐसे स्टीयरिंग देखती हूँ, मतलब जो नया नया सीख रहा है, तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हो जाती कि स्टीयरिंग देख के कि अच्छा हो गया, मतलब जस्ट चेक करने के लिए कि अच्छा हो गया बिल्कुल सीधा, सिर्फ इस चीज के लिए, ये नहीं कि मैं उसको देख देख के सीधा करती हूँ। ये गलत चीज है। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो यार, ये अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो फिर आप अच्छे ड्राइवर कभी बन नहीं पाओगे। इसलिए ये रेफरेंस गलत है। और मेरे साथ धोखा भी हो गया ना, फिर वो एस को लेके होएगा ही ना। आप सामने देख के स्टीयरिंग सीधा करोगे ना, कि स्टीयरिंग देख के स्टीयरिंग सीधा करोगे? क्या हो, कब से मेरे को कह रहे हैं कि गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। मैंने भी सुबह से पूछा ही नहीं एक भी बारी कि मतलब आप क्या पैसे कितने दे के आए हो, है ना। तो मैं भी पूरी, मतलब डिफरेंस वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, कि मेरे को भी फील हो गया है कि बहुत डिफरेंस हुआ है। तो बार बार सुबह से कह रहे हैं कि यार पैसा वसूल है, पैसा वसूल है। मैं होगा पैसा वसूल, ऐसे यूज कर रहे होंगे वर्ड की होगा। अभी मैंने जस्ट पूछा इनसे कि कितने पैसे लगा के आए हैं, तो कितने बताए? 4,000 रुपए। मतलब ये मेरे को शायद पहले बताया होता आपने 4,000 रुपए लगा के आए हो, तो मैं सोचती चलो ठीक है यार, कोई नहीं, ऐसे भी ठीक थी। तभी ये वर्ड यूज कर रहे थे, सुबह से कह रहे पैसा वसूल हो गया, पैसा वसूल हो गया। तो वसूल हो गया यार, फीलिंग ही नहीं आ रही थी मेरे को। तो ऐसा लगने लग गया था ना गाड़ी से कि यार मतलब मैं ट्रक चला रहा हूँ। हाँ, पुरानी गाड़ी होगी, मतलब मजा नहीं आ रहा, वो उतनी स्मूथ चल नहीं रही जितनी नई में मजा था। तो गाड़ी का ना सस्पेंशन का काम भी कराया था, तब स्मूथ चलती थी। उसके बाद ना थोड़े टाइम बाद ऐसे लगने लग गया कि शायद इंजन से वाइब्रेशन इतनी आनी शुरू हो गई, आवाज आनी शुरू हो गई। ऐसे बॉटल्स थी तो बॉटल्स भी ऐसे कांपती थी, डोर्स भी ऐसे पैनल को हाथ लगाओ तो वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, पैर फ्लोर पे भी फील होने लग गया था, जैसे ज्यादा भगाते हैं गाड़ी तो भी फील होने लग गया था। मेरे को लगा यार पुरानी होगी गाड़ी ना, मजा नहीं आ रहा। और आज मैंने सिर्फ एक माउंटिंग चेंज करवाई है, 3,000 रुपए का पार्ट आया, 1,000 रुपए लेबर लगी मेरी, और मजा मतलब इतना मजा आ रहा ना कि वो 4,000 रुपया ना इतना सा भी दर्द नहीं कर रहा। कुछ प्लान है, शॉपिंग करनी थी, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं शॉपिंग करने वाली। कल हम एक्चुअली जा रहे हैं ट्रिप पे, तो कल का ट्रिप प्लान कर लिया हमने, तो कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी वो करेंगे पहले, और उसके बाद अभी अभी बर्थडे निकल के गया है अभी का, तो आज ये लौंडा पार्टी थ्रो कर रहा है, तो उसके बाद करेंगे अच्छा सा डिनर। मैं ये प्रॉन्स ट्राई करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम, मैंने कभी नहीं खाया ये। तो आज समझ में आया है कि ये जो बूफे है ये हम लोगों के लिए नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया कि हम पैसे वसूल कर पाए, पर हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। इसने सबसे ज्यादा खाया है, अपनी जेबें भी भरी एंड तक ही, गुलाब जामुन तक इसने अपनी। मैंने बहुत कोशिश करी है कॉन्ट्रीब्यूट करने की, मैं पूरा डेजर्ट तक खा के आई हुई, ये लोगों ने नहीं खाया। कि लोग पीने के बाद उल्टियां मार के निकलते हैं, ये बिना पिए उल्टियां मार के निकलते हैं। नहीं निकलना चाहते हम, इसलिए हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया, अदरवाइज यहाँ तक भरा पड़ा है, अगर यहाँ तक होता तो फिर तो इन्होंने फिर उनको भी वो कर देना था, फेल कर देना था पीने वालों को भी। पता चले रेस्टोरेंट बंद करवा देते हम, रेस्टोरेंट वालों पे केस हो जाता कि आज तो ड्राई डे था तुम क्या कर रहे हो। चलो गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब हम निकल रहे हैं घर को। हालत हो गई है काफ़ी ख़राब, नींद भी आने लग गई है, और अभी जाके पैकिंग भी करनी है, सुबह फिर निकलना है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आप करो एंजॉय, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक आप ये वीडियो देखोगे हम यहाँ से निकल चुके होंगे, तो अगली वीडियो का वेट करना, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।